ज्यादा वो ज्यादा मैंने नहीं रखता, विल कितनी मजबूत है वो ज्यादा मैंने रखती है। मैं आप सब भाइयों से, मोहम्मद गौरी ने जब हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया था, 3 बार 4 बार हारने के पश्चात खंडरात के अंदर छुपा हुआ था, सोचा अगर भागूंगा तो पीठ पे गोली लगेगी और अगर सामना करूंगा तो मारा जाऊंगा। लेकिन उसने एक मकड़ी को चढ़ते और उतरते देखा, 16 बार प्रयास करने के बाद वो 17वीं बार चढ़ गई। उसी से शिक्षा लेकर के एक लेटर लिखा उसने कि राजा साहब, पुर साहब, मैं संधि करना चाहता हूं और संधि के लिए मैं साथ साथ माफी भी मांगना चाहता हूं, मुझे अनुमति दी जाए। अब दरबार सजा करके बैठ गया और वो घुटनों के बल चलते 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 राजा साहब की जाके जब पैर पकड़ते ही खड़ा होकर के कनपट्टी के ऊपर उसने हथियार रख दिया और उसको भरी महफिल से कैद करके के बोलो, सबको बोल दो हथियार डाल दो, नहीं हम तो मरे हुए हैं, आपको मार देंगे। युद्ध जीत गए, यहां से कैदी बना करके ले गए। आज मेरा भाव उस बात को याद कराने का आपसे इसलिए है कि हम इतनी महफिल के अंदर शायद ऊपर मंच के ऊपर डायस पर ज्यादा लोग बैठे हैं, हम आपको कहेंगे आप कब लोग लेकर के आए हैं, ये हमारी नासमझी और हमारी बेवकूफी होगी। आप इतने ही लोग अगर मार्मिक हैं और आप मिशनरी हैं, भाई अभी शंभू कुमार बोल रहे थे, मैं इस भाई की धन्यवाद करता हूं बारंबार, और वामन मेश्राम जी भी यहां मंच पे बैठे हैं, हम उस लड़ाई में हर रोज दो दो हाथ करते हैं, लेकिन अपने ही लोग हमें कितनी जलालत की वीडियो डालते हैं उसको काउंटर कोई नहीं करता। हमारी बात को कहे हुए को काउंटर, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो काउंटर करने के लिए आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि 2-4 सुना दें तो शायद उसके अगले दिन जुबान बंद हो जाए ना, अन्यथा हमारे लोग हमारी बात को ही काट करके अपने ही लोग मित्रों मंच पे विराजमान। मैं सभी नेताओं को, हमारे भाई ऐश्वर्या जी यहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद करते हुए इस बात को कि उन्होंने पद पे बैठे हुए भी अपने बात का, अपने पद का परवाह ना करके मिशन के साथ हद से काम किया, भले उसका परिणाम कहीं आया हो ना आया हो, लेकिन हरियाणा में परिणाम आया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सरनिया साहब का, हम पिछले दिनों में प्रयास एक कर रहे थे, बहुत भाषण होंगे, खूब सुने, उन भाषणों को सोशल मीडिया के जरिए आप पहुंचाएं। जब जब हम मनुवादी व्यवस्था को टोकते हैं कि सूरज को कैसे निकला जा सकता है, आदमी की गर्दन के ऊपर एक हाथी की गर्दन कैसे लगाई जा सकती है, कैसे मैल से बच्चे मर सकते हैं, जैसे खेत से हल जोतते हुए बच्चे पैदा निकल सकते हैं, कैसे मत्स्य भगवान आदि नारायण को पैदा कर देता है कि मछली पानी में रहती है, अंडे देती है, अगर वो अंडा देने जमीन पे आई तो मछली बची कैसे, अगर वो अंडा पानी में दिया तो बच्चा आदि नारायण भगवान बना कैसे। हर रोज जब इस का चीर हरण करते हैं तो अपने लोग जो भटके हुए हैं, हम उनको बुरा नहीं कहते, उनको अभी तक किसी ने सिखाया नहीं है, ना उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, ना उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ा। अरे नमन कीजिए इन लोगों को, ये भी अकेले थे, कीचड़ और पत्थर खा करके आपको आज कुर्सी पर बैठाने के काबिल करके शिक्षा दे करके, वही जोत बाबा साहब ने आपको संविधान में लिख करके दी,
मत डरे, मत घबराए कि हम अकेले हैं। आज अकेले नहीं हो। कल तक मीडिया हमारी बात नहीं उठाता था। अगर मीडिया के चैनल हमसे भी कॉन्टेक्ट करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि इन भाइयों को सपोर्ट करें, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से, यहां भले संख्या कम हो, हमारे लोग ना आए, लेकिन अपने चैनलों के ऊपर सब्सक्राइब करके, अपने चैनलों को पोस्टर रोज डाल करके अपने लोगों तक अंधविश्वास का चीर हरण करते रहे। जब हम लोग जागरूक हो जाएंगे, मैं दावे से कह सकता हूं, उसी दिन सवेरा होगा। सवेरा होने जा रहा है। बाबा साहब ने स्वर्ण अक्षरों में लिख रखा है कि 20वीं सदी मनुवाद की है, अंधविश्वास और पाखंड की है। 21वीं सदी का भी 22वां साल चला है और 22 साल में आप लोगों के अंदर इतने चैनल यहां पर खड़े हैं। मैं सलूट करता हूं इन भाइयों को कि जो लोग आज कम से कम आपकी बात को पहुंचाने के लिए पूरे देश भर में, पूरे विश्व में बात चली जाएगी। मित्रों, भाषणों में कुछ रखा नहीं है, एक्शन में कुछ रखा है। हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले जंतर मंत्र में एक प्रोग्राम किया था, लगभग 10 दिन पहले वो प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के बाद हमारी भले वो दो हमने दो स्पीच दी थी, सुमित्री फूले ने दी थी और मैंने भी दी थी। 20 घंटे के अंदर 2.5 लाख लोगों ने वो बात सुनी। आज भी मैं आप सभी बात भाइयों से कहूंगा कि वामन मेश्राम जी बहुत अच्छा रोजाना लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं, शायद कोई करता होगा। लेकिन हम इनकी पोस्ट को भी और अपनी पोस्ट को भी हर रोज लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मित्रों, यहां पर मंच पे हमारे बहुत सारे एक से एक बुद्धिजीवी बैठा है। हमारे अभी अभी भारतीय विरोधी दल के विजय सणा जी आए हैं। राजबाला जी ने आपके सामने कहा कि डरे मत कि हम अकेले हैं। हम अकेले नहीं है, हम आपके साथ हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं। आप जहां लगे बस लगे रहे, मिशन का काम करते रहे। बाबा साहब ने जैसे किया था, माता सुमित्रीबाई फूले और पेरियार रामास्वामी गाड़गे साहब, ना जाने कितने महापुरुषों ने, बाबू जगदेव प्रसाद और अभी वामन मेश्राम जी, काशीराम जी जैसे बहुत सारे लोग काम करने के लिए आए हैं। हम आपको रास्ता दे करके जाएंगे, ये दुआ करते हैं हम आप सब की भावनाओं की, कि आपने हमें आशीर्वाद देने के लिए जो लोग यहाँ पर आए उनका श्रद्धा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन नेताओं का सबका धन्यवाद। नमस्कार।